नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की सीरीज कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी पिछली वीडियो में हमने डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस देखे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, एक टिपिकल वर्कफ्लो देखेंगे किसका, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का। एक बेसिक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो मशीन होती है किस बेसिस पे काम करती है, ठीक है। तो एक टिपिकल एनजीएस वर्कफ्लो देखेंगे, एक वर्क फ्लो देखेंगे कि किस तरीके से एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जो मशीन होती है किस वे में एक डीएनए को सीक्वेंस करती है वो, ठीक है। किस वे में डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में, तो उन भाइयों को खास करके फायदा होगा जो बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला, एक टिपिकल एनजीएस वर्कफ्लो हम देखेंगे, ठीक है। तो टिपिकल एनजीएस वर्कफ्लो में बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से सीक्वेंसिंग को एक अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से सीक्वेंसिंग फर्दर प्रोसेस होती है एक एनजीएस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उसके कुछ बेसिक्स हैं, तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके सारे प्रोसेसेस को देखते हैं, फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सीक्वेंसिंग टारगेट है। डीएनए और आरएनए कोई सा भी हो सकता है, वो हमारे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग टारगेट आप डीएनए भी ले सकते हो या आरएनए भी ले सकते हो। आप किस को सीक्वेंस करना चाहते हो, डीएनए को या फिर आरएनए को, किसी एक चीज को आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है वो फ्रेगमेंटेशन का होता है। इसी तरीके से तीसरा जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है भाई, साइज सिलेक्शन का। उसके बाद हम फ्रेगमेंट करके, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइज को सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर साइज के फ्रेगमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस करने के लिए। फिर अडेप्टर लाइगेशन करते हैं। अडेप्टर लाइगेशन मतलब एक आर्टिफिशियल सीक्वेंसेस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आर्टिफिशियल सीक्वेंसेस, ठीक है। कहाँ जोड़ते हैं आर्टिफिशियल सीक्वेंसेस, जो साइज सेलेक्ट जब हम करते हैं इसके एंड पे जोड़ते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। जब हम सीक्वेंसिंग को इंजाम दे रहे होते हैं, सीक्वेंसिंग को जब परस्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ प्रोसेस जो होता है वो इमोबिलाइजेशन होता है, इमोबिलाइजेशन टू अ सॉलिड सपोर्ट। फिर यहाँ पे एक बेस पे इनको फंसाया जाता है, किनको, इन सीक्वेंसेस को, ठीक है, अडेप्टर लाइगेशन के बाद, ठीक है। सिक्स स्टेप जो होता है वो सीक्वेंसिंग करते हैं फिर एनजीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और सातवें में क्या करते हैं, रीड्स को सीक्वेंस करते हैं, फिर अलाइन, और फाइनली क्या करते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारी जीनोम असेंबली आती है, ठीक है। ये भी अपन समझेंगे डीप में, समझेंगे डिटेल में। तो अभी एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो मैं पार्ट्स में कर दूं इसे, ठीक है, तो आराम से समझते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक चार्ट है जो कि सीधा दिखा रहा है कि एनजीएस का एक टिपिकल वर्कफ्लो किस तरीके से होता है, एनजीएस वर्कफ्लो किस तरीके से एक एनजीएस काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा पहला क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या आरएनए, हम किस स्पीशीज का डीएनए सीक्वेंस करना चाहते हैं, किस स्पीशीज का आरएनए सीक्वेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे सीक्वेंसिंग के तौर पे देखें तो प्रोटीन को भी सीक्वेंस किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एनजीएस में अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहे हैं, ओनली न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास पहले होना चाहिए, उसके फिर टुकड़े करते हैं, फ्रेगमेंटेशन उसे बोला जाता है, फिर उसमें से पर्टिकुलर साइज सेलेक्ट करते हैं कौन कौन से सीक्वेंसेस होने चाहिए, फिर अडेप्टर जोड़ते हैं लास्ट में, दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अडेप्टर्स, आर्टिफिशियल सीक्वेंस होते हैं, अपने हिसाब से जोड़ते हैं, हम अपने हिसाब से बना भी सकते हैं इन्हें। फिर इमोबिलाइजेशन टू अ सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट क्या है, ये एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच करते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंसिंग को अंजाम देते हैं। फिर यहाँ पे सीक्वेंसिंग होती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से, फिर सीक्वेंसिंग रीड जनरेट होते हैं, फाइनली उनका फिर अलाइनमेंट कर दिया जाता है। तो ये एक टिपिकल एनजीएस वर्कफ्लो माना जाता है, ठीक है। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस था, हमारा प्रोटोकॉल था, वो क्या था भाई लोगों, सीक्वेंसिंग टारगेट। तो सीक्वेंसिंग टारगेट बेसिकली कौन सा होगा, हमारा डीएनए या आरएनए होगा। अरे बात समझ में,
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, डीएनए या आरएनए कुछ भी मान लो जो आपको मानना है, ठीक है। तो अब भाई डीएनए और आरएनए कहीं भी मतलब अब हमें लाना है, तो हम एक तरीके से इनिशियल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे कि ये आता कहाँ से है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या आएगा भाई, सेल ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सेल से फिर हम क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड है ना, आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। तो उस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, मैं आपको इनिशियल स्टेप से बताऊंगा एकदम पूरे की स्टार्टिंग से एकदम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड हमारे सैंपल में से। वो डिपेंड करता है कि हम किसको सीक्वेंस करना चाहते हैं, या डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर मानता हूँ, अगर हम डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसेस बता रहा हूँ डीएनए एक्सट्रैक्शन के, डीएनए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ब्रीफली बताऊंगा समराइज करके एकदम, ठीक है, प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा आई होप। तो सबसे पहले लिया जाता है सेल या टिश्यू, सेल या टिश्यू लेके उसको क्या करा जाता है, ग्राइंड किया जाता है या होमोजिनाइज किया जाता है, ठीक है, होमोजिनाइज। अगर इसमें से आपको ऑर्गेनेलीज चाहिए तो इसको फिर फर्दर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बफर के अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है, गोल गोल चक्कर घुमाते हैं ना, गोल 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 गोल, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अलग अलग स्पीड पे 8000 RPM, ठीक है, 10000 RPM, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो हमें ऑर्गेनेलीज मिल जाएंगी, ठीक है, सेल की, लेकिन हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले ये क्या होती है, हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेसिकली हमें बाहर से कहां तक पहुंचना है, यहां तक, आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल लेते हैं, सेल को ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो सेल को ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, सेल की लाइसिस करते हैं हम, लाइसिस मतलब सेल को ब्रेक करते हैं उसकी बाउंड्री को, ताकि हम अंदर घुस पाए एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट की तरफ। अब जो सेल लाइसिस की जाती है वो भी अलग अलग, उसके भी प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल इस तरीके से होते हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड अगर मैं बात करूं, ठीक है, केमिकल एंजाइमेटिक, एंजाइम के थ्रू भी हम सेल लाइस कर सकते हैं। सेल लाइस का बेसिकली मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन को हम तोड़ देते हैं, ठीक है। सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है ना, अलग अलग स्पीशीज के केस में, ठीक है। तो सेल की बाहर की आउटर लेयर को हम तोड़ते हैं, उसके बाद फिर अंदर घुसते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। तो इस तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल लाइसिस। ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती है, केमिकल के तरीके से परफॉर्म की कर सकते हो आप इसे, एंजाइम के थ्रू भी इसे सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हो, तीसरा मैकेनिकल तरीके से भी आप इसे तोड़ सकते हो। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस है, मैं आपको सारे बताता हूँ, मैकेनिकल वे में भी आप किसको, मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकते हो। तो केमिकल मेथड में सबसे ज्यादा हम पॉपुलर यूज करते हैं क्या, SDS, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट। तो सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, स्पेलिंग दोस्तों चेक कर लेना एक बार, शायद मैंने ठीक ही लिखी है, ठीक है। तो केमिकल मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, हम SDS यूज करते हैं। SDS बेसिकली क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट घर में जो कपड़े धोते हैं बिल्कुल वही डिटर्जेंट होता है, उसी के अंदर मिलाया जाता है, टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, सोप में मिलाया जाता है, ठीक है, सोप टूथपेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, SDS बिल्कुल वही चीज होती है जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट होता है ये, ठीक है। और एक चीज और बतानी है इसमें, जो SDS होता है जो हमारा, वो एक तरीके से हम बफर की फॉर्म में इसे लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब जो डिटर्जेंट करता क्या है भाई, देखो जो सेल की आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, फोस्फोलिपिड की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, फोस्फो लिपिड, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड कुछ इस तरीके से होता है, फ्लूड मोजैक मॉडल आपने देखा ही होगा सिंगर और निकलसन का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
दिखता है कुछ मेम्ब्रेन का आउटर पोर्शन, मेम्ब्रेन को वाला पोर्शन, तो इसको बेसिकली क्या करता है, डिटर्जेंट ब्रेक कर देता है, तो इसलिए हम एसडीएस का यूज करते हैं। एसडीएस क्या एक पावरफुल डिटर्जेंट है, ठीक है, जिसके लिए जिसको हम यूज करते हैं सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, सेल के आउटर बाउंड्री को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो हमारा सबसे पॉपुलर है, हम प्रोटीएज यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइजोजाइम यूज कर सकते हैं, लाइजोजाइम, ठीक है, जो कि सबसे पॉपुलर एंजाइम होता है, जो किसमें पाया जाता है, हमारे टीयर्स में। आ रही बात समझ में, किसमें, हमारे टीयर्स में, हमारी आंखों के आंसू होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। बेसिकली ये किसको ब्रेक करता है, ब्रेक द सेल वॉल, सेल वॉल को ब्रेक कर सकता है ये। किसकी सेल वॉल भाई, सेल वॉल किसमें होती है, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऐड करना है और तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये आपको जस्ट समझना है, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, मैकेनिकल, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखो सेल वॉल को हमने ब्रेक कर दिया, तो हम कहाँ घुस गए, सेल के अंदर घुस गए, ठीक है। तो बेसिकली हमें कहाँ जाना है, न्यूक्लियस तक जाना है। आ रही है बात समझ में, न्यूक्लियस तक जाना है, मतलब ऐसी जगह पे जाना है हमें सेल के अंदर जहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, कौन सा, डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एंजाइमेटिक मेथड भी देख लिया, अब देखते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड कुछ होते हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होता है सोनिकेशन। सोनिकेशन मतलब अल्ट्रा, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं इसमें, क्या भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। एक होती है फ्रेंच प्रेस, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि मैं और अगर नाम लूं तो ग्राइंडिंग कर लेंगे हम, उससे भी हो जाता है ग्राइंडिंग, फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल मेथड है, किसको, सेल की आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, सेल को लाइसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब मेथड यूज किए जाते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। तो ये बेसिकली करती क्या है, सोनिकेशन में ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती है। आ रही है बात समझ में, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है भाई, सेल के अंदर तो हम घुस गए, लेकिन हमें क्या करना है, अब प्रोटीन को रिमूव करना है, जहां से वो हमारा डीएनए या आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिस प्रोटीन से हमारा अटैच है, हमें अब उस प्रोटीन को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें डीएनए एक प्योर फॉर्म में चाहिए ना, किस फॉर्म में चाहिए, प्योर आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है, जब हम उसकी सिक्वेंसिंग कर पाएंगे। आ रही बात समझ में, तो प्रोटीन को किस तरीके से रिमूव करा जाता है, इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम काफी सारे तीन कुछ मेथड्स यूज करते हैं इसमें, मैं मेथड्स के नाम आपको बताता हूं, एक मिनट एरप कर लूं। तो देखो भाई, ठीक है, सिलरप कर ले। तो प्रोटीन रिमूवल जो किया जाता है बेसिकली वो कुछ वे में किया जाता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पे हम ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। दूसरी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, कुछ नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई बीट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बीट्स आपने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ी होगी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टाइप की बीट्स है ना, जब क्रोमेटोग्राफी अलग अलग परफॉर्म करते हैं तो उसमें बीट्स पढ़ते हैं जो बाइंड भी कर लेती है स्पेसिफिकली, अगर डीएनए को बाइंड कराना हो, ठीक है। तो बीट्स के बारे में आपने आई होप क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा होगा, ये भी मैं बायोकेमिस्ट्री के जब लेक्चर कवर कर रहा हूँ तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि कुछ हमारे होते हैं, कौन से, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, ये सब आप यूज कर सकते हो, फिनोल या क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सॉल्ट्स यूज कर सकते हो आप, कौन कौन से भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट, ठीक है, NaCl या सोडियम एसिटेट, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो,
तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनकी हेल्प से आप प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं, जो कि डीएनए पे या हमारा न्यूक्लियोटाइड पे, न्यूक्लिक एसिड पे हमारा जो बाइंड कर रहा होगा जो प्रोटीन, उसे आप इससे इन केमिकल्स को यूज करके हटा सकते हो। ठीक है, इनका एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है, उनके भी लेक्चर्स मैं कवर करूंगा बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में। ठीक है, फाइनली क्या करा जाता है, डीएनए को फिर प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो डीएनए को प्रेसिपिटेट, बस एक ही केमिकल यूज करते हैं हम, कौन सा करते हैं, सबको पता होगा, एल्कोहल। एल्कोहल यूज करते हैं, एल्कोहल में कौन कौन सा एल्कोहल, कमेंट करके जरूर बताना। एक तो होता है कौन सा, इथेनॉल, ठीक है, एक होता है आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। तो डीएनए प्रेसिपिटेशन फाइनली इससे की जाती है, और फाइनली इसके बाद हमें हमारा न्यूक्लिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है किसके, सीक्वेंसिंग टारगेट के, मतलब किस तरीके से हमें एक डीएनए आरएनए तक हम स्टार्टिंग में पहुंचते हैं किसी भी सेल से। ठीक है, तो आपको आई होप अभी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इतना ही।